नमस्कार, मैं अमन यादव और आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। आईपीएल अपने अंतिम चरण में आ चुका है और किसी भी टीम की एक गलती उसे आईपीएल 2018 से बाहर कर देगी। आज आईपीएल में दो बेहतरीन टीमों के बीच जंग होने वाली है। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर राउंड खेला जाना है। आज जो भी टीम हारेगी वो आईपीएल 2018 के टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आज जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल की ओर अपना एक कदम और बढ़ाएगी। जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला क्वालिफाइड फर्स्ट में हारने वाली टीम के साथ होगा। क्वालिफाइड फर्स्ट में जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल पहुंच जाएगी और जो टीम हारेगी उसका मुकाबला एलिमिनेटर में खेले जाने वाली टीम के साथ होगा। हेड टू हेड के मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम का पलड़ा भारी है और आज के मैच में भविष्यवाणी भी की जा रही है कि आज का मैच केकेआर जीत रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक आईपीएल में 16 मुकाबले खेले गए, जिसमें 9 मैचों में राजस्थान की रॉयल ने बाजी मारी है और वही 8 मैचों में केकेआर ने बाजी मारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हमेशा से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। अगर हम आईपीएल 2018 की बात करें तो आईपीएल 2018 की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सीएसके की टीम के साथ हुआ था। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को लास्ट गेंद पर जीता था। इस मैच में सीएसके की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इसे 20 ओवर में 3 विकेट से हासिल की थी। और वहीं अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। अब देखना ये होगा कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सी टीम घर जाती है। छोटी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। कैमरामैन प्रतीक शर्मा के साथ मैं अमन यादव।